नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, अच्छी अपडेट आ रही है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, आप सभी इससे परिचित हो। अच्छी किसी वैकेंसी आई हुई दोस्तों, पहले वैसे इसकी वैकेंसी आई हुई थी लेकिन अभी पोस्टों में वृद्धि की गई है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है अभी बढ़ाई गई है। तो इसके जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है दोनों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जिन बच्चों ने ऑलरेडी आवेदन कर दिए उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले आवेदन नहीं किया था, अगस्त के अंदर यह वैकेंसी आई थी, उन सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो अभी दोबारा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो इसका नोटिफिकेशन आया था ना, इसका यह नोटिफिकेशन था जिसके अंदर ड्राफ्ट मैन है, सुपरवाइजर स्टोर है, चीपर है, हिंदी टाइपिस्ट है और ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है और उसके बाद में ब्लैक स्मिथ है, कुक है, इस प्रकार के टोटल मिलाकर के यहां पे 246 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। ऑफलाइन फॉर्म था, ठीक है। यहां पे आप देख पाओगे तो टोटल वैकेंसी बताई गई है। यहां पे इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 वैकेंसी थी, वेल्डर के लिए 24 वैकेंसी, ब्लैक स्मिथ के लिए 22 वैकेंसी थी और कुक के लिए यहां पे 80 वैकेंसी थी, ठीक है। इस प्रकार से 246 वैकेंसी थी। 13 अगस्त से इसके आवेदन स्टार्ट हुए थे और 26 सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे, ठीक है। ये पहले का नोटिफिकेशन है। उसके बाद में देखिए, अभी जो लेटेस्ट नया नोटिफिकेशन है इसके अंदर अपडेट दी गई है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहां पे आपको व्हाट्स न्यू ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको ये सबसे पहली जो लिंक मिलेगी इसी नोटिफिकेशन की, और यहीं से मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। चलिए इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है, देखिए यहां पे इन्होंने बता रखा है भी नोटिफिकेशन नंबर दे रखे 03/2022, यानी कि जो पहले का नोटिफिकेशन था वही नोटिफिकेशन है 03/2022, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे इन्होंने बता रखा भी पहले क्या चीज दी हुई थी, पहले इन्होंने बता रखा था भी जो प्लेन एरिया से जो बच्चे आते हैं उनको आवेदन करने के लिए 45 दिन का टाइम दिया गया था, और बाकी यहां पे ये जो अलग अलग प्लेस है और अलग अलग मतलब डिस्ट्रिक्ट बताया गया जो कि हिली एरिया है उनके लिए 60 दिनों का टाइम दिया गया था। अब देखिए इन्होंने बताया भी इसकी जगह आपको ये रीड करना है। ये रीड करने का मतलब ये कि देखिए इन्होंने बता रखा है भी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जो भी प्लेन एरिया के जो लोग हैं उनके लिए और जो हिली स्टेट है सभी, इन सभी के लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड अप टू 10 नवंबर 2022, यानी कि अभी आपको ये रीड करना है। इसकी जगह ये, यानी कि 10 नवंबर तक अभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, और उसके बाद में कि वैकेंसीज फॉर द फॉलोइंग पोस्ट आर इंक्रीज्ड एज पर ट्यूबुलेटेड, यानी कि इन्होंने बता रखा भी ये जो वैकेंसी है ना इनके अंदर वृद्धि भी की गई, यानी कि इन वैकेंसियों को तो बढ़ाया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के अंदर जितने भी पोस्टें दे रखी है ना, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो 10 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। योग्यता के बारे में आपको बताऊंगा, पहले देख लीजिए। ड्राफ्टमैन की पहले 16 वैकेंसी थी, अब पहले 14 थी, अभी 16 की गई है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 35 थी, अभी 46 कर दी गई। इलेक्ट्रीशियन की पहले 30 थी, अभी 43 यानी कि 43 कर दी गई है। और ब्लैक स्मिथ की 22 से बढ़ा करके 27 की गई है, और कुक के लिए 82 से बढ़ा करके 133। यहां पर काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। अभी आप बोलोगे गुरुजी इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्यता क्या है, कैसे आवेदन करें। देखिए मैं आपको लेके चलता हूं, पहले वाला जो नोटिफिकेशन है ना उसके अंदर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। वैसे तो देखिए ये सारी की सारी चीजें आप रीड कर लीजिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन जो पोस्ट हैं जिनके अंदर वर्दी की गई है उनके लिए मैं बता देता हूं भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन है, इसके अंदर क्या बताया भी 10th पास और उसके बाद में आपके पास में आईटी का सर्टिफिकेट है वायरलेस ऑपरेटर के अंदर, या फिर रेडियो मैकेनिक के अंदर फ्रेशर्स हो आवेदन कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्मी वाले जो लोग हैं उनके पास में भी इस प्रकार का डिफेंस का कोई ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन 10th पास और उसके बाद में ऑटो इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपके पास में आईटीए की हुई है आपने और एक साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। वेल्डर वाले बच्चे हैं, वेल्डर का आईटीए का सर्टिफिकेट है, आप आवेदन कर पाओगे, कोई भी एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा गया। मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ है, तो देखिए आप 10th पास और आईटीए अगर आपके पास में ब्लैक स्मिथ में या फिर फोर्ज टेक्नोलॉजी में या फिर हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में या फिर शीट मेटल वर्कर के अंदर है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। मल्टी स्किल वर्कर कुक, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए तो आपके पास में 10th पास है तो आप आवेदन कर पाओगे। बाकी इन्होंने बता रखा भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि ट्रेड से संबंधित एक टेस्ट लिया जाएगा। अब कुक का है तो इसका मतलब यही है कि भी खाना पका के आपको देना होगा तो वही आपका टेस्ट होगा। खाना बनाना आपको आता है तो आवेदन कर दीजिए, ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी सभी जो पोस्टें बताई गई है उनका रिटर्न टेस्ट का सिलेबस यहां पे इन्होंने बता रखा है, तो ये चीजें आप सब देख लीजिए। दोनों तीनों जो नोटिफिकेशन है सभी आपको टेलीग्राम
चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन में वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, आपको आवेदन करना है ऑफलाइन तरीके से, और आवेदन करने के लिए जो फॉर्म है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।